हमारे साथ दलित दस्तक के प्रधान संपादक यहाँ पर मौजूद हैं, आज उनका भी वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा। बड़ी मुश्किल से, बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जब वो मंच पर आते हैं। क्या लग रहा है आज जिस विषय पर आप बोलने वाले हैं और यहाँ पर बहुजन मीडिया को भी सम्मानित किया जा रहा है, क्या है? नहीं, मुझे बोलना नहीं है ना, आपको शायद गलत जानकारी है, मैं हूँ यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक जो लेखकीय पीढ़ी है वो पहली पीढ़ी है अभी जो सक्रिय है, सक्रिय रूप से लिख पढ़ रही है ना। पहले भी लोग जो लिखते पढ़ते रहे, जैसे अच्युतानंद की परंपरा रही है, फिर बाबा साहब मान्यवर कांशीराम, वो उसके बाद ये पहली पीढ़ी है जो तरीके से लिख रही है, व्यावसायिक तरीके से लिख रही है, प्रोफेशनली, जैसे अखबारों में आर्टिकल लिखना और मंचों से भाषण करना। और उनको अगर सम्मान मिलता है तो जाहिर सी बात है, देखिए लेखक को मिलता क्या है? लेखक को कुछ नहीं मिलता है, लेखक तो सम्मान का भूखा है। उसको समाज अगर सम्मान देता है, उसकी पहचान स्थापित होती है, तो उसको इतना ही चाहिए। अभी संत अच्युतानंद की बात आई, प्रसव क्या कहेंगे, उन्होंने जो लेखनी के माध्यम से दलित समाज को दिशा को आगे बढ़ाया, उसमें आप क्या अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे? नहीं, उस परंपरा, उस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मैं कविता पढ़ने वाला हूँ जी, क्योंकि मैं सामाजिक राजनीतिक मंचों से लोग मुझे समझते हैं मैं सिर्फ भाषण देता हूँ। जी 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 जी। तो आज मैं 1903 में एक कविता लिखी गई थी, काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखी थी, कि बुद्धिजीवियों का क्या महत्व होता है। तो राज सत्ता वाले लोग जो है ना, वो नशे में होते हैं, सत्ता के नशे में होते हैं। और पता नहीं, आप कैबिनेट जब बनी होगी तो पहली कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे, कौन कौन सांसद होंगे, आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन उस समय जो लोग लिख रहे थे, तमाम ऐसे लोग, उनको इतिहास, लेखक ही इनको जिंदा रखता है। जी जी। अगर आज चाहे जितने बड़े नेता हों, उनके बारे में लिखा ना जाए, उनके बारे में सिर्फ ये सब लिख दिया जाए कि वो सब बेईमान थे, चोर थे, तो 200 साल बाद जो हिस्टोरियन जो रिसर्च करेगा, वो तो इसी बात से याद करेगा ना। इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स का, हिस्टोरियन का, साहित्यकार का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद हमारी जो राजसत्ता, हमारे जो खास तौर से हमारे नेता हैं, उनको ये समझने में कहीं चूक हो रही है, इसीलिए समस्या। इसलिए इस परंपरा को तो आगे बढ़ाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए एक बात बताइए मुझे, 2-4-5 नाम छोड़ दीजिए, अभी जो सोशल मीडिया में आप हैं, अशोक हैं, शंभू हैं, मतलब तमाम ऐसे साथी, सैकड़ों साथी जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, अभी हमारे समाज ने न बढ़िया ढंग का दो इतिहासकार पैदा किया है, बढ़िया अर्थशास्त्री पैदा किया। अमर सिंह है आपके समाज में, रोमला थापर है, कृपान अभी है तो नहीं। तो आपको तो लीडर का मतलब सिर्फ MLA MP बनना नहीं होता है। जी जी। वो इंटेलेक्चुअल लीडर जो है वो समाज को दिशा और दशा दिखलाता है। राजनेता तो सिर्फ वोट लेते हैं और MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और उनको लगता है कि वही बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए जो साहित्यकार लोग, जो मीडिया कर्मी लोग जो काम कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक है और आगे करना चाहिए। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।